अस्सलामुअलैकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कश्मीर को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। गिलगित में आजादी परेड से खताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। 10 साल के अंदर दो सुपर ताकतों ने मुसलमानों के आगे घुटने टेके। हमें पाकिस्तान को मदीने की रियासत के असूलों के मुताबिक बनाना है। जितना हम अदल व इंसाफ पर जोर देंगे उतनी ही बरकत हमारे मुल्क में आएगी। फिरदौस आशिक अवान ने तोहीन अदालत पर माफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम की मुआवन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को तोहीन अदालत पर नया शो कास्ट नोटिस जारी कर दिया। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मनुल्ला की सरबराही में हुई। आफात से बचने और तहफ्फुज़ के लिए कंसर्न वर्ल्ड वाइड के तआवुन से एलपीपी झंग के साथ यूनियन काउंसिल में काम कर रही है। इसमें नादर बच्चे और बच्चियों को हुनरमंद बनाने के लिए तरबियत और ट्रेनिंग दी जाती है। एलपीपी की तरफ से आज एक तकरीब का आगाज हुआ जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी डायरेक्टर अजहर आदिल और DDM अब्दुल खालिक थे। मेहमान खसूसी ने ट्रेनिंग करने वाले बच्चों में किट्स और मशीनें तकसीम की। झंग साहबजादा आमिर हबीब के दस्ते हक पर ईसाई जोड़े ने इस्लाम कबूल किया। इस्लामी तालीमात और साहबजादा आमिर हबीब के हुस्न इखलाक से मुतासिर होकर इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। दोनों मियां बीवी को कलमा तैयबा पढ़ाकर दायरे इस्लाम में दाखिल किया और इनको इस्लाम कबूल करने पर मुबारकबाद पेश की गयी। दारे अरकम अली कैंपस हरनौली के जेर एहतमाम सालाना मुकाबला नात खवानी का एहतमाम किया गया जिसमें अवामी समाजी और मीडिया की भरपूर शिरकत। तकरीब के मेहमान खसूसी असलम खान नियाजी और पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल अदनान अकरम थे, जबकि अल्फला ऑर्गेनाइजेशन हरनौली के सदर राना अब्दुल रजाक, जनरल सेक्रेटरी और राना अब्दुल जब्बार जावेद ने तकरीब से खिताब किया। इसके अलावा पोजिशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। DPO चन्योट की हदायत पर पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जिला भक्कर में क्रैकडाउन। चन्योट पुलिस ने मुजरिमान इश्तहारियों समेत नाजायज असला और मंशियात बरामद होने पर 25 मुलजिमान को गिरफ्तार करके नाजायज असला कब्जे में ले लिया। मुरीद के GT रोड के करीब तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर। हादसे के नतीजे में खावंद मौका पर जा भाग जबकि बीवी शदीद जख्मी। जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज।